सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढंग से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपा जोशी पहाड़ी चेली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह सुबह 8:30-9 बजे से। तो आज मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ शादी में। आजकल तो शादी का सीजन ही है, तो मैं आज जा रही हूँ लोहाघाट और उसके बाद चंपावत में। दो शादियाँ हैं, दो शादियाँ अटेंड करनी है। एक के यहाँ शादी कल हो गई है तो वहाँ पर पार्टी है, वहाँ पर जा रहे हैं, और एक के यहाँ आज शादी है तो वहाँ पर जाएंगे। और आपको भी ज़रूर मैं दिखाऊँगी। और अभी चलते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं। मैंने पहन लिया है परिंदा क्योंकि मैं जा रही हूँ बाइक में, लंबा सफ़र है। और शादी के फैशन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है क्योंकि सिर दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं परिंदा पहन रही हूँ। और परसों बूबू से लिया था, कैसा लग रहा है आप भी ज़रूर बताना, यही लिया था। हम चल रहे हैं बाइक में, तो वहाँ जाने के बाद आपको दूल्हा दुल्हन भी दिखाएंगे। मिलती हूँ मैं चंपावत जाने के बाद। पहुंच गई हूँ लोहाघाट, और यहाँ इस गांव का नाम है प्रेमनगर गांव है। तो यहाँ राहुल भैया की शादी थी, थोड़ी देर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर भी जाके आते हैं। और आज है शादी, तो कल हो गई है, आज पार्टी और महिला संगीत है। हमारे पहाड़ में आजकल शादी के दूसरे दिन महिला संगीत करते हैं, यानी लड़की की पहले दिन हो जाती है और लड़के की बाद में। जब लड़की आने के बाद खुशी होती है तो तब महिला संगीत किया जाता है। वैसे ही आज यहाँ पर महिला संगीत है और मैं आपको दूल्हा दुल्हन को भी मिलाऊंगी और यहाँ की लोकेशन भी दिखाती हूँ आपको। मुझे तो बहुत ही प्यारा गाँव लगा, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ प्रेमनगर गाँव में। तो मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के बाद, राहुल भैया लोगों से मिलने के बाद, फिर चलते हैं हम दूसरी शादी में, क्योंकि आज हमारे साथ BDC हैं, उनके भैया की शादी है तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। और थोड़ा मेरा ब्लॉग में काम था तो वहाँ तो मैं निपटा के आ गई हूँ। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद चलते हैं हम आगे। तो गए जी, देख सकते हैं कितना प्यारा गांव है यहाँ पर। आपको मैं मिलाती हूँ दूल्हा दुल्हन से। ये हैं हमारे राहुल भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये हैं हमारी बहू रानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तैयार हो रहे हैं तो आपको मैं मैडम से भी मिलाती हूँ। हमारी दीदी हैं ब्लॉक में, BMM का पद है अभी, तो उनसे भी मिलाती हूँ। उनका भी निमंत्रण आया था मेरे लिए स्पेशली, तो मैं गई हूँ, आपको मिलाती हूँ उनसे। हमारी दीदी जी आप सभी लोग जानते होंगे इनको, और ये हैं भाभी जी, और यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे हैं। या सज झज के तैयार हो गई है। तीन तो यहीं बज गया है, देखते हैं अभी वह दूसरी शादी में जाने का टाइम होगा तो चलते हैं। ये है राहुल भैया का घर ऊपर। तो फाइनली लोहाघाट से आने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंपावत में, और चंपावत ढकना वडाला रोड में है, धर्मेश्वरी होटल। तो यहां पर हो रही है शादी और हम भी चलते हैं, आइए चलते हैं, दिखाते हैं और आपको भी दिखाएंगे दूल्हा दुल्हन। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ये हैं हस्बैंड जी, बिल्कुल पैक हो रखे हैं अभी। फाइनली
फाइनली हम यहाँ भी शामिल होके आ गए हैं, ये है हस्बैंड जी और मैं, अब दोनों चलते हैं घर को। हस्बैंड जी ने खा ली भांग की चटनी तो उनको अपने आप ही हंसी आ रही है। वहाँ गए थे तो भांग की चटनी बनी थी, उन्होंने खा ली भांग की चटनी। तो अब चलते हैं हम घर और पैक हो गए हैं, अभी परंदा पहनती हूँ मैं अपने सिर में, उसके बाद चलती हूँ। मैंने परंदा कुछ इस टाइप से बांध लिया है ठंडी से बचने के लिए, और हस्बैंड जी भी पैक हो गए हैं, यानी आजकल ठंडी का समय है, मतलब ठंडा है तो वैसे भी चंपाओ से रास्ते में तो बहुत ही ठंडा होता है, चंपाओ तो ठंडा ही होता है लेकिन रास्ते में भी ठंडा लगता है। तो हम लोग पैक हो गए हैं, अब चलते हैं हम घर, वहाँ जाने के बाद मिलते हैं। वैसे तो रात ही पहुँचेंगे वहाँ हम, यहाँ भी शादी में अटेंड हो गए हैं, यहाँ भी अब कह रखा है तो जाना पड़ता ही है, इसलिए हम भी आ गए हैं यहाँ। तो मिलते हैं घर जाने के बाद आपको। हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे